महाराष्ट्र के जलगांव में बोले पीएम मोदी, महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है, दोषी कोई भी हो बचना नहीं चाहिए। महिला अपराध में लापरवाही किसी भी स्तर पर हो सबका हिसाब होना चाहिए, मैसेज ऊपर से नीचे तक साफ जाना चाहिए, पीएम मोदी का बयान। जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन हुआ आयोजित, पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत, महिलाओं ने आरती उतारी। पीएम ने 11 लाख लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र सौंपे, उनसे संवाद भी किया। लखपति दीदी सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, मातृशक्ति ने समाज को बनाने में बड़ा योगदान दिया। शिंदे सरकार की पीएम ने की तारीफ, कहा विकास कार्यों से पूरी दुनिया में महाराष्ट्र का नाम ऊंचा हुआ। पीएम मोदी ने नेपाल बस हादसे पर दुख जताया, कहा हादसे में महाराष्ट्र के कई भाइयों को खोया। सीएम शिंदे ने नेपाल बस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख मुआवजे का ऐलान किया। लखपति दीदी सम्मेलन से भोपाल लौटे केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान, रेतघाट में हुआ भव्य स्वागत, जनता के साथ किया संवाद। बदलापुर केस को लेकर संभाजी नगर एयरपोर्ट के बाहर महाविकास अघाड़ी नेताओं का प्रदर्शन, पीएम मोदी का किया विरोध। महाराष्ट्र के बाद राजस्थान गए पीएम मोदी, जोधपुर में भव्य स्वागत हुआ। राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जयंती समारोह में शामिल हुए पीएम, संग्रहालय का किया उद्घाटन। प्रोग्राम में बोले पीएम मोदी, दशकों बाद हम कोर्ट के चक्कर शब्द से बाहर निकले हैं। भारतीय न्याय संहिता ने देश को कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकाला है, पीएम मोदी का बयान। आजीकर हॉस्पिटल कांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय का हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट, सीबीआई ने जेल में जाकर टेस्ट किया। संजय रॉय के बाइक की होगी फॉरेंसिक जांच, कल सीबीआई ने जब्त की थी बाइक। आजीकर हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार का मामला, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से जुड़े 15 ठिकानों पर सीबीआई के रेड। आजीकर हॉस्पिटल के पूर्व वाइस प्रिंसिपल संजय वशिष्ठ के घर पर भी सीबीआई का छापा, मेडिकल सप्लायर बिप्लब सिंह के ठिकानों पर भी रेड। सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच ने आरजीकर हॉस्पिटल में भी की छानबीन, एक अधिकारी बोले बहुत कुछ मिला। आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल और मेडिकल सुपरिटेंडेंट से भी सीबीआई ने की पूछताछ, अस्पताल के स्टोर रूम का भी किया मुआयना। सीबीआई की छापेमारी पर बोले केंद्र मंत्री सुकांत मजुमदार, पूरा भ्रष्टाचार बाहर आएगा। कोलकाता में जारी रहेगी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल, ममता सरकार की तरफ से नहीं मिला ठोस आश्वासन। बंगाल के साउथ 24 परगना में आईएसएफ का प्रोटेस्ट, आरजीकर रेप हत्याकांड में न्याय की मांग की। कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन, केंद्र मंत्री सुकांत मजुमदार समेत कई नेता हुए शामिल। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले सुकांत मजुमदार, रेप केस में इंसाफ ममता के इस्तीफे के बाद ही मिलेगा। बंगाल में सुरक्षा का पूरा सिस्टम नष्ट हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है, सुकांत मजुमदार का बयान। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, कैंडिडेट के नाम पर मंथन। जम्मू कश्मीर चुनाव की आम आदमी पार्टी ने 7 कैंडिडेट का किया ऐलान, पुलवामा से फयाज अहमद सोफी को दिया टिकट। गुलाम नबी आजाद की पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, 13 कैंडिडेट्स का किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सवाल, अगर फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों के साथ खड़े होंगे तो भी क्या राहुल गांधी साथ देंगे? पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की दो टूक, अगर कांग्रेस हमारे एजेंडे के साथ है तो हम करेंगे समर्थन। अनुच्छेद 370 हटाने से जम्मू कश्मीर में समस्याएं बढ़ी हैं, महबूबा मुफ्ती का बयान। महबूबा की बेटी इल्तिजा मुफ्ती बोली, कांग्रेस और एनसी का गठबंधन बढ़िया है, सियासी पार्टियों को एकजुट होने की जरूरत है। एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला बोले, अमित शाह ने मैनिफेस्टो के सिर्फ एक पैराग्राफ पर फोकस किया, सुनकर दुख हुआ। कांग्रेस एनसी का बेमेल, निकाह हुआ जल तलाक होगा, प्रमोद कृष्णम का बयान। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट से सपा ने अजीत प्रसाद को बनाया कैंडिडेट, सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं अजीत। अवधेश प्रसाद का दावा, मिल्कीपुर उपचुनाव में भी बीजेपी हारेगी, विभाजन की राजनीति जनता नहीं चाहती है। आईएनएलडी नेता अभय चौटाला का दावा, हरियाणा में आईएनएलडी और बीएसपी की सरकार बनेगी। बीएसपी चीफ मायावती ने सपा और कांग्रेस को आरक्षण विरोधी पार्टी बताया, कहा इनके साथ कभी गठबंधन संभव नहीं। मायावती का कांग्रेस से सवाल, अपनी सरकार में जाते जनगणना क्यों नहीं करवाई? केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बोले, जाते जनगणना पर राहुल गांधी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनकी बात का आधार नहीं है। राहुल गांधी दूसरों की जाति पूछते हैं, उनकी जाति पूछने पर उनको गाली लगता है, उनका मेंटल चेकअप होना चाहिए, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की मांग। बिहार को केंद्रीय बजट में बहुत कुछ मिला है, विपक्ष को सिर्फ विरोध करने की आदत है, मनोज तिवारी का बयान। एलजेपीआर चीफ चिराग पासवान बोले, जाति जनगणना जरूरी है ताकि सरकार को योजना बनाने में मदद मिले। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, लालू यादव ने बिहार को बर्बाद किया, ये लुटेरे और भ्रष्टाचारी हैं। सम्राट चौधरी बोले, नीतीश कुमार और बीजेपी ने बिहार को संवारने का काम किया। झारखंड में एलजेपीआर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, चिराग पासवान दोबारा पार्टी चीफ चुने गए। चिराग पासवान ने झारखंड सरकार पर साधा निशाना, कहा जनता से किए वादों को पूरा नहीं किया। झारखंड बीजेपी इंचार्ज सीएम हेमंता बोले, युवाओं ने रोजगार की बात की तो सीएम सोरेन ने लाठीचार्ज करवाया। सीएम हेमंत ने जनता से किए वादों को पूरा नहीं किया, वो इस्तीफा दे, सीएम हेमंता की मांग। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का बयान, बिहार की सभी 243 सीटें पर लड़ेंगे चुनाव, करीब 40 महिलाओं को बनाएंगे कैंडिडेट। प्रशांत किशोर का दावा, 2025 में बिहार में जनसुराज की सरकार बनेगी, 10-12 हजार की नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सीएम नीतीश से मिले बिहार के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह, कहा वो 2025 में लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगा झटका, उसके 5 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए।
दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले, आम आदमी पार्टी कोई काम नहीं कर रही है, इसलिए उसके नेता साथ छोड़ रहे हैं। वोट के लिए कांग्रेस बड़े बड़े वादे करती है, सरकार बनने के बाद भूल जाती है, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने साधा निशाना। मन की बात कार्यक्रम के 113वें एपिसोड का प्रसारण, पीएम ने कहा देश ने पहली बार नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया। पीएम बोले देश के युवा राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति में युवाओं के जोश की जरूरत है। परिवारवादी राजनीति प्रतिभाओं का दमन करती है, युवाओं को सही मार्गदर्शन की तलाश, पीएम मोदी का बयान। रायपुर में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जोनल कार्यालय खुला, गृहमंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। अमित शाह बोले देश को नशा मुक्त बनाने का है संकल्प, जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ देश को नशा मुक्त बनाएंगे। एकीकृत पेंशन योजना पर बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, बीजेपी की अकल थोड़ी ठिकाने आई है। एकीकृत पेंशन योजना पीएम मोदी का ऐतिहासिक कदम है, इससे 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान। एनपीएससी भी खराब है, यूपीएस ये केंद्र कर्मचारियों के साथ साजिश है, आप सांसद संजय सिंह का बयान। महाराष्ट्र कैबिनेट ने यूपीएस को दी मंजूरी, कल ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारित किया था। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने वित्त मंत्री सीतारमन को लिखी चिट्ठी, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी हटाने की मांग की। यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा का बड़ा आरोप, कांग्रेस और सपा ने वक्फ संपत्ति का दुरुपयोग किया है। एआईएमआईएम चीफ अजहरुद्दीन ओवैसी बोले वक्फ की संपत्ति सरकारी नहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यूपी के सीएम योगी का निर्देश, हर जेल पुलिस लाइन और थाने में भक्तिभाव के साथ मने जन्माष्टमी। सीएम योगी ने कहा जहां जन्माष्टमी के आयोजन हो वहां पूरी सुरक्षा व्यवस्था हो, सफाई का भी इंतजाम रहे। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा का आज तीसरा दिन, कड़ी सुरक्षा के बीच अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। तीसरे दिन करीब 2,80,000 अभ्यर्थी एग्जाम में एब्सेंट रहे, 3 दिनों में 7,60,000 से ज्यादा छात्रों ने नहीं दी परीक्षा। आज की परीक्षा में यूपी पुलिस ने 10 लोगों को पकड़ा, कुल 8 FIR दर्ज किए। छतरपुर में हुए बुलडोजर एक्शन पर भड़के ओवैसी, कहा मध्य प्रदेश में स्टेट स्पॉन्सर्ड कम्युनलिज्म। मुंबई में हाफ मैराथन 2024 का आयोजन, पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने दिखाई हरी झंडी। यूपीएसटीएफ का लखनऊ में एक्शन, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को पकड़ा। पुणे में महंत रामगिरी के खिलाफ लगे सर तन से जुदा के नारे, पुलिस ने केस दर्ज किया। एफआईआर में 28 आरोपियों की पहचान हुई, 200-300 अज्ञात आरोपी बनाए गए, आजाद समाज पार्टी ने बिना इजाजत निकाला था मोर्चा। रामगिरी महाराज के बयान का देहरादून में भी प्रदर्शन, परेड ग्राउंड में मुस्लिम संगठनों ने जताई नाराजगी। असम के नगांव में स्थानीय महिलाओं का विरोध प्रदर्शन, ढींग में हुए गैंग रेप को लेकर किया विरोध। ढींग गैंग रेप की घटना के बाद प्रशासन अलर्ट पर, नगांव में सुरक्षा बलों की बढ़ाई गई तैनाती। तमिलनाडु के लाथम में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, हादसे में 2 लोगों की मौत। असम में 2 बांग्लादेशी पकड़े गए, जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने वापस बांग्लादेश भेजा। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश से बड़ा रामगंगा नदी का जलस्तर, निचले इलाकों में भरा पानी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अगस्त मुनि द्वीप पर फंसा शख्स, एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। भोपाल में भारी बारिश के बाद कई घरों में घुसा पानी, निचली बस्तियों में अलर्ट। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश, मूसलाधार बारिश के चलते गोदावरी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। गुजरात के वलसाड में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में हुआ जलभराव। सूरत के वारडोली में ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाके में घुसा पानी। भारी बारिश से फॉय सागर लेकर हुआ ओवरफ्लो, राजस्थान के अजमेर में है लेक। उड़ीसा के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी, आईएमडी ने 3 दिन लगातार बारिश की संभावना जताई। तेलंगाना के नालगोंडा में भारी बारिश, नागार्जुन सागर बांध के 5 गेट खोले गए। मणिपुर के थौबल में भारी बारिश से बुरा हाल, कई गांव में बाढ़ जैसे हालात।